तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया, थोड़ा ब्रेक मिल गया मुझे भी। इतनी खौफनाक रात गुजरी है जबकि नींद आ रही थी मुझे बहुत। तुम भी चेहरे से कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ मैं। तुम्हारी बहुत बुरी हालत थी, बहुत। शुक्र है कि अम्मी ने तुम्हें उस हालत में नहीं देखा। क्या तुम भी नहीं बताओगे क्या हुआ था? पहुंची तो वो जख्मी थे। क्या तुम्हें फर्स्ट एड आती है? नहीं तो। पता है क्या, जब तुम्हारे कपड़ों पर खून देखा तो मुझे लगा तुमने कुछ किया है। वो मैं, तुम जरूर कुछ जानती हो ना नूर। मैं किस बारे में? कल रात के बारे में कजिन, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकती कि गन साफ करते वक्त उनको गोली लग गई। अलमास, मेरा ख्याल है कि क्या कहा जा सकता है, अब किस्मत है। अगर तुम पहले पहुंच जाती तो देख लेती उन्हें गोली कैसे लग गई। लेकिन आजकल फार्म हाउस पे बहुत कुछ अजीब हो रहा है ना, गोलियां चल रही हैं। अलमास, कहना क्या चाहती हो? दर्द है दर्द, तो क्या बताओगी नहीं तुम? अजीब सी बातें कर रही हो, जा रही हूँ मैं। दो मिनट बैठो, आओ। बीवी की वजह से पसंद नहीं है वो उनको। अलमास, क्या हुआ कजिन? ये तो पता है सबको, उसकी माँ ने उसे तख्त पर तो बिठा दिया मगर किस्मत कैसे बदले, अब उसको तो आयतुल साहिबा भी नहीं बदल सकते। अलमास, बस बहुत हो गया, बकवास बंद करो। चीख क्यों रही हो पागल? ये मेरी जॉब की जगह है, समझी? सिर्फ दो बातें क्या करती, दिमाग खराब हो गया? नाराज तो मत हो, काम कर रही हूँ नूर, तुम आराम से अपनी कॉफी पियो ना, मेरा वक्त भी बहुत कीमती है। सही कह रही हो, फालतू शोर मचाया मैंने, बस गुस्सा आ गया, माफ कर दो ना। किसी का इंतजार कर रही हो क्या? क्या, कब से बार बार तुम घड़ी देखे जा रही हो अपनी? ट्रैफिक में ना फंस जाऊं कहीं। रुको, वो लोग भी निकल रहे हैं, साथ चलते हैं। नहीं, मर्द के पास जाना है, चलती हूं मैं। स्टेयर से आ जाइए प्लीज। कहां जा रहे हैं अली साहब? तुम्हें क्या अलमास, जाने दो। मैं अलमास से बचकर भाग रही थी और तुम लिफ्ट रोक कर खड़े हो। तो क्या करूं, मुझे किसी का खौफ नहीं। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, लेकिन मुझे बात यहाँ पर नहीं करनी। अब मुझे जो कहना है मैं कह दूँ, और वैसे भी मर्द के वापस आने से पहले मुझे फार्म वापस जाना है, किसी करीबी जगह चलते हैं। ये मोहब्बत बदुआ।